मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मसूर दाल की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी होंगी और दाल भी होगा। इसे हम तड़का डाल के बनाएंगे। तो ये तड़के वाली मसूर की दाल की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने प्रेशर कुकर रख लिया है, गैस को ऑन करके प्रेशर कुकर गर्म होने देना है। फिर हम उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। ये सब्जी जो है तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है, सरसों की तेल होनी चाहिए। आप जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं, पर हम लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार होती है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ फोड़न डालेंगे। तो फोड़न में हमने लिया है एक चम्मच जीरा, 5 लौंग, एक बड़ी दालचीनी स्टिक और 4 से 5 तेजपत्ती लिया है। सभी फोड़न को हम तेल में डाल देंगे। फोड़न को हमें अच्छे से चटकाना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हींग, तो ये 2 चुटकी हम हींग डाल लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 2 बड़ा प्याज, जिसे हमने स्लाइस में काट रखा है। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी प्याज जो है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा कूट रखा है। और यहाँ पे हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे भी प्याज के साथ हम कुछ मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रहे हम फ्लेम मीडियम करके सारे सामान भूनेंगे। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, अपनी प्याज, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, यानी कि अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे बैंगन, जिसे हमने बड़े बड़े काट रखे थे। आप सोच सकते हैं हम बड़े बड़े बैंगन क्यों काटे हैं, क्योंकि जब ये अपनी दाल के साथ गलेगी इसको छोटा छोटा पीसेस में दिखेगा हमें, नहीं तो ज़्यादा छोटा हमने काट लिया और ये गल जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब हम बैंगन के साथ में ही डालेंगे गाजर, जिसे हमने थोड़े थोड़े पीसेस में काट रखा था। तो यहाँ पे हमने एक गाजर डाल रखा है। सब्जियों को हम थोड़ा सा भूनेंगे, यानी कि 5 मिनट तक सॉफ्ट होने तक। अब देख सकते हैं अपनी बैंगन की कलर चेंज हो गई है, यानी कि हल्की सी भून गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी भून जाता है, तो हम इसे लास्ट में डालेंगे। शिमला मिर्च के साथ ही हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और अपने तीखा के अनुसार मिर्च पाउडर डालेंगे। तो हम 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और स्वाद के अनुसार हम नमक भी डाल देंगे। तो हमें यहाँ पे दाल ही डालना है, हमें दाल से नमक डालना है। सारे मसाले को हम सब्जी के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाला डालने के बाद हम फ्लेम स्लो कर लेंगे, तो अच्छे से मसाला अपनी भून जाती है। हमने सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे दाल। तो आप देख सकते हैं ये मसूर की दाल लाल वाली है, जिसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिंगा लिया था। 2 पानी से धो के हम इसे छान के दाल में डाल रहे हैं। हमने दाल को कुकर में डाल दिया है। अब इसे भी हम सब्जियों के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे, इससे सोंधा स्वाद आता है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने दाल को सब्जियों के साथ अच्छे से भूना है, अच्छी खुशबू भी आ रही है, इसका पानी भी सूख गया है। इससे क्या है, दाल में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम पानी डालेंगे, तो हमें पानी इतना ही डालना है जितने में अपनी दाल और सब्जी अच्छे से डूब जाए। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दाल पकने के बाद हम डाल देते हैं, नहीं तो सीटी में ये बाहर आने लगता है। तो आप देख सकते हैं अपनी दाल सब्जी डूब गई है, इतना ही हमने यहाँ पे पानी डाला है। तो चलिए अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और दाल को हम पका लेते हैं। तो मसूर की दाल पकने में 3 व्हिसिल इनफ होता है। हम 3 व्हिसिल आने के बाद कुकर को बंद करके आपको दिखाएंगे।
हमने 3 भीसी लाने तक दाल को पका लिया है, हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं। अब इसका गैस निकल जाने के बाद हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। प्रेशर कुकर से गैस निकल चुका है, चलिए हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। तो हम आप इसे ढक्कन को खोलेंगे, आप देख सकते हैं हमने बड़ा बड़ा बैगन क्यों डाला था, क्योंकि इसके पीसेस अभी भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम चम्मच से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप देखिए अपनी मसूर दाल वाली सब्जी कितनी बढ़िया तैयार हुई है, देखने में तो सुंदर लग रहा है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो हमने दाल को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कटोरी इमली का पानी। इमली का पानी हम कैसे तैयार किए हैं, इमली को हमने पानी में भिंगा के रख दिया था, उसके बीज को निकाल के हमने छान लिया था, तो ये अपनी इमली की पानी तैयार हो गई। इससे इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब हम चने तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का के लिए हमने तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डाल रखा है, तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। राई चटकने लगा है, अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 लाल मिर्च जिसे हमने 2 टुकड़े में तोड़ रखा है, इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए तेल में पका लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है तड़के में। आप देख सकते हैं अपनी मिर्च भी हल्की सी कलर चेंज कर दी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, तो यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता को धो के उसका पानी सुखा लिया है। और हम जब कभी भी कड़ी पत्ता डालते हैं तो गैस से हटा के डालते हैं, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो हम यहाँ पे गैस से हटा के डाले हैं। आप देख सकते हैं इसके छींटे कम आ रहे हैं। अब फिर से हम इसे गैस पे ले चलते हैं। फाइनल इंग्रेडिएंट्स है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बढ़िया आता है और स्वाद भी आता है। तो हम तड़के में डाल के इसे हल्का सा ऐसे पका लेंगे, हल्का सा पकाना है, ज़्यादा जलने नहीं देना है हमें। अब हम तड़का को ले चलते हैं अपनी दाल वाली सब्जी की तरफ। तो चलिए हम इसमें तड़का डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मसूर दाल की सब्जी तैयार हुई है। तो इसे हम अब मिक्स कर लेंगे और फटाफट इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप एक बार फिर से देखिए इसकी कलर, खुशबू तो मेरे किचन में आ रही है, जब आपके किचन में बनेगी तो आपको भी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया तड़के वाली मसूर दाल की सब्जी बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये लजीज लगता ही है। इसे आप पूरी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।